हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप मेरे साथ मैथमेटिक्स में स्टैंडर्ड 11 में चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ रहे हैं, पार्ट 3 में आपका स्वागत है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मिसेलिनियस एक्सरसाइज में ही आगे बढ़ते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 12 ध्यान से देखिए। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज अ सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड। बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन टू इट। डाइल्यूटिंग बाय एडिंग 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन टू इट। आगे बढ़ते हैं। द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4%। मिक्सचर रिजल्टिंग मिक्सचर मोर देन 4% बट लेस देन 6% बोरिक एसिड। इफ वी हैव 640 लीटर ऑफ 8% सॉल्यूशन, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 2% सॉल्यूशन विल हैव टू बी एडेड? तो हम ये कहेंगे दोस्तों, सबसे पहले लेट 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन एक्स लीटर। जो बोरिक एसिड का सॉल्यूशन है 2% वाला सॉल्यूशन, वो मान लेते हैं एक्स लीटर है। एज पर गिवन एडिंग 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन, मतलब as given in question 2% of x plus 8% boric acid, 8% of 640 liter, फिर से 8% solution किसका है of 640 liter, उसमें क्या एडिंग करना है 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन। तो हमने क्या किया, तो 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन जो है उसका एक्स लीटर एज्यूम किया, तो 2% बोरिक एसिड ऑफ एक्स लीटर ऐड करना है, मतलब प्लस करना है 8% ऑफ 640 लीटर, विच इज मोर देन 4% ऑफ टोटल मिक्सचर। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं मिक्सचर क्या है, तो टोटल 640 लीटर प्लस एक्स लीटर, ये मिक्सचर है। तो 4% ऑफ मिक्सचर 640 प्लस एक्स। चलो दोस्तों इतना सब क्लियर है। अब ये है हमारी फर्स्ट कंडीशन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन पहले कंडीशन लिख लेते हैं एंड सेकेंड वन। वंस अगेन यही 2% ऑफ एक्स 8% ऑफ 640 विच इज लेस देन 6% ऑफ मिक्सचर 640 प्लस एक्स। चलो दोनों ही इक्वेशन को अच्छी तरह से
बैलेंस करते हैं, ध्यान से देखिए दोस्तों। तो पहला इक्वेशन जो है वो 2% माने 2/100 एक्स, 8% माने 8/100 इंटू 640 विच इज ग्रेटर देन 4% माने 4/100 640 प्लस एक्स। देयरफॉर 100 कॉमन एंड कैंसल, 2 ऑल्सो कॉमन एंड कैंसल, वो भी हम कह सकते हैं, यहां से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो x प्लस 4 इंटू 640 ग्रेटर देन 2 इंटू 640 प्लस एक्स, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि इनइक्विलिटी में यदि पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं दोनों साइड, इट कैन नॉट बी चेंज। सो x प्लस 4 इंटू 640 ग्रेटर देन 2 इंटू 640 प्लस 2x, इन दोनों को एडजेसेंट हम बनाएंगे तो 640 इंटू 4 टाइम्स माइनस 640 इंटू 2 टाइम्स ग्रेटर देन 2x माइनस x, 640 कॉमन, 4 माइनस 2 विच इज 2 ग्रेटर देन x। देयरफॉर 1280 ग्रेटर देन x, मतलब x इज लेस देन, वंस अगेन x इज लेस देन 1280, x की वैल्यू इससे कम होगी। चलो गिव इट इक्वेशन नंबर 1। अब यही पार्ट को हम आगे बढ़ाएंगे सेकंड कंडीशन में, 2/100x प्लस 8/100 इंटू 640 लेस देन 6/100 इंटू 640 प्लस x, अगेन 100 कैंसल, 2 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस 4 इंटू 640 ग्रेटर देन 3 इंटू 640 प्लस x, x प्लस 4 इंटू 640 लेस देन 3 इंटू 640 प्लस 3x, इन दोनों को एडजेसेंट टर्म बनाएंगे, 4 टाइम्स 640 माइनस 3 टाइम्स 640 लेस देन 3x माइनस x, 640 कॉमन, 4 माइनस 3 1 लेस देन 2x, इट मीन्स 320 लेस देन x, मीन्स x इज ग्रेटर देन 320 कंडीशन नंबर 2। सो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, x जो है 320 से ज्यादा, बट x इज लेस देन 1280, इट मीन्स फ्रॉम कंडीशन 1 and 2, 320 लेस देन x लेस देन 1280, what does it mean? It mean what is the answer? The number of liters, ध्यान दीजिएगा, the number of liters to be added should be more than 320 liter and less than 1280 liter। क्लियर दोस्तों, एक बार फिर से आप इसे देख लीजिए अच्छी तरह से।
चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 में हाउ मेनी लीटर्स, ध्यान दीजिएगा, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वॉटर विल हैव टू बी एडेड to 1125 liter of 45% solution of acid so that the resulting mixture contain more than 25%, more than 25%, but less than 30% acid content। दोस्तों सबसे पहले हमें यह समझना है कि वॉटर की कितनी क्वांटिटी हम ऐड करें, वो सबसे पहले एज्यूम करना है। तो लेट एज्यूम x लीटर ऑफ वॉटर, वॉटर की कितनी क्वांटिटी हम ऐड कर रहे हैं, तो x लीटर, लेट x लीटर ऑफ वॉटर बी एडेड टू 1125 लीटर ऑफ 45% एसिड सॉल्यूशन। मतलब जो एसिड का सॉल्यूशन है, 45% एसिड का जो सॉल्यूशन है, उसमें उसमें हम x लीटर वाटर एड करते हैं, तो मिक्सचर की क्वांटिटी क्या होगी? तो क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर क्वांटिटी इज इक्वल टू 1125 लीटर प्लस x लीटर, ये क्वांटिटी होगी टोटल, क्योंकि ये तो ऑलरेडी मिक्सचर है ही, सॉल्यूशन है ही, इसमें x लीटर वाटर हम ऐड करते हैं तो टोटल क्वांटिटी इतनी होगी। वेरी गुड ऋषि हर्षिल, गुड। अब हमें क्या है, एज पर गिवन कंडीशन, डियर फ्रेंड्स, एज पर गिवन कंडीशन और गिवन इन क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, रिजल्टिंग मिक्सचर विल कंटेन मोर देन 25% बट लेस देन 30% ऑफ एसिड सॉल्यूशन। तो एज पर गिवन कंडीशन 25% ऑफ मिक्सचर मींस 25% ऑफ मिक्सचर मींस 1125 प्लस एक्स लीटर विच इज लेस देन 45% ऑफ वन वन टू फाइव
एंड वाटर की कोई कंडीशन यहां पर नहीं दी गई है, वाटर की कंडीशन यहां पर नहीं दी गई है। तो हम इतना ही रखेंगे। हाँ, यदि x परसेंटेज ऑफ वाटर टू बी मिक्स ऐसा कहा होता तो यहां पर वाटर की भी परसेंटेज हम लिखते, 25/100 1125 प्लस x लेस देन 45/100 1125। हेलो डियर फ्रेंड्स, ये सब क्लियर यहां तक? देयरफॉर 100 कैंसिल फ्रॉम बोथ द साइड्स, 5 into 1125 प्लस x लेस देन 5 9 1125, 5 times 1125 प्लस 5x लेस देन 9 times 1125, सो 5x इज इक्वल टू 4 times 1125। आप समझ रहे हैं? क्योंकि ये 5 टाइम्स यहां पर माइनस होगा तो 9 minus 5 4। देयरफॉर अच्छा यहां पर इनइक्वालिटी क्या होगी, लेस देन, क्या आप समझ रहे हैं? सो x इज लेस देन इनका मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय यस ऋषि, यस यू आर राइट, x इज लेस देन 900 इक्वेशन नंबर 1। चलिए यहां पर ही कैलकुलेट कर लेते हैं। एज पर सेकेंड कंडीशन थर्टी परसेंट ऑफ मिक्सचर 30/100 × 1125 + x विच इज मोर देन 45/100 1125। 100 यहां से कैंसल, 15 × 1125 + x 15 × 3 = 1125, 2 × 1125 + 2x > 3 × 1125, therefore 2x > 1 × 1125, 1125 common, 3 − 2 = 1, so x is greater than 562.5 equation number 2. It means x is more than 562.5 less than x less than 900. इसका ये मतलब होगा कि वॉटर कितना वॉटर रिक्वायर्ड है, तो मोर देन 562.5 लीटर बट लेस देन 900 वाटर इज रिक्वायर्ड टू बी एडेड टू फुलफिल गिवन कंडीशन। क्लियर दोस्तों? क्या आप समझ रहे हैं क्वेश्चन को अच्छी तरह से? चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन में, एग्जाम्पल नंबर 14। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आईक्यू ऑफ अ पर्सन इज गिवन बाय फॉर्मूला। आईक्यू की फॉर्मूला है आईक्यू इज इक्वल टू मेंटल एज अपन क्रोनोलॉजिकल एज सी ए इंटू 100। मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज, बट इफ 80 लेस देन इक्वल टू आई क्यू लेस देन इक्वल टू 140 फॉर अ ग्रुप ऑफ 12 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रन, फाइंड द रेंज ऑफ देयर मेंटल एज। सबसे पहले हम ये कहेंगे दोस्तों, चलो सॉल्यूशन की बात करते हैं। हियर आईक्यू की फॉर्मूला है एम ए अपन सी ए इंटू 100, बट व्हाट इज गिवन 80 लेस देन इक्वल टू आईक्यू लेस देन इक्वल टू 140 मींस 80 लेस देन इक्वल टू एम ए अपन सी ए इंटू 100 लेस देन इक्वल टू 140 बाय मल्टीप्लाइंग 12, क्योंकि 12 इयर्स ओल्ड चिल्ड्रन की यहां पर बात हो रही है। 12 इयर्स ओल्ड चिल्ड्रन, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे सी ए विच इज इक्वल टू 12। 12 से हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 एट जा 96 एंड 0 एम ए इंटू 100 1680। 100 से सबको डिवाइड करेंगे तो 9.6 लेस देन इक्वल टू एम ए लेस देन इक्वल टू 16.8। फाइंड द रेंज ऑफ देयर मेंटल एज, तो हमें मेंटल एज की रेंज चाहिए तो वो क्या मिल गई हमें। इट मींस एम ए बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 9.6 टू 16.8, मींस मेंटल एज शुड बी ग्रेटर देन 9.6 बट लेस देन और इक्वल टू 16.8। वंस अगेन मेंटल एज शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 9.6 बट लेस देन इक्वल टू 16.8। ये होगा फाइनल आंसर। क्लियर दोस्तों, एकदम से क्लियर। इस तरह से ऐसे सभी क्वेश्चंस क्लियर हैं। अब हम एक लास्ट मेथड में जा रहे हैं इस चैप्टर में। ध्यान से दोस्तों समझिएगा, क्वेश्चन का मतलब आप समझिएगा अच्छी तरह से। मिसेलिनियस जितने भी एमसीक्यू इलस्ट्रेशंस हैं वो आपको ही खुद ही सॉल्व करने हैं। देखिए पहले ये समझना है कि इनइक्वालिटीज कैसे फॉर्म करते हैं, वही इंपॉर्टेंट है ना।
चलिए प्रैक्टिस करते हैं, पहले एक दो ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़े, है ना। तो जो इलस्ट्रेशंस है वो आप खुद प्रैक्टिस करें जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। नाउ सॉल्यूशन ऑफ फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज हैविंग टू वेरिएबल बाय ग्राफिकली, ग्राफिकली मेथड से हम सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज, मतलब दो इनइक्वालिटीज हो सकती है, तीन हो सकती है, चार हो सकती है, तो ग्राफिकली हम इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड कर पाएंगे। एक्सरसाइज 6.3 की हम बात करते हैं जिसमें एग्जाम्पल नंबर 1, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है यहां पर एंड वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सबसे पहले गिवन इनइक्वालिटीज आर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सबसे पहले इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। ऑन द एक्स एक्सिस वी रिक्वायर ओनली नंबर 3, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ऑन वाई एक्सिस 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। सी फर्स्ट ऑफ ऑल x इज इक्वल टू 3, मान लीजिए x इज इक्वल टू 3 जो है वो है वर्टिकल लाइन, x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मीन्स वर्टिकल लाइन। यहां पर इक्वल टू है इट मीन्स ऑल द पॉइंट्स विच आर लाइंग ऑन द लाइन x इज इक्वल टू 3 ऑल्सो बी सॉल्यूशन ऑफ this inequality and also x is more than 3, तो ये जो region है more than 3 से ज्यादा, तो ये होगा तो ये inequality का solution ये region होगा। अब हम बात करते हैं y is equal to 2, तो 2 यहां पर है, y इज इक्वल टू 2 मतलब ये लाइन y इज इक्वल टू 2, इसे हम कहेंगे x इज इक्वल टू 3, इसे हम कहेंगे y इज इक्वल टू 2, मतलब ईच पॉइंट लाइंग ऑन दिस लाइन y इज इक्वल टू 2 आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। ऑल्सो जस्ट अपर होल पार्ट ऑफ ये, क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? बिल्कुल समझ रहे हैं, है ना। तो ये रीजन है, अपर क्लोज हाफ प्लेन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू 2 ए एंड राइट साइड क्लोज हाफ प्लेन ऑफ द एक्स इज इक्वल टू 3। दोनों में कॉमन शेडेड रीजन ये है, आप ध्यान से देखिए, अच्छी तरह से देखिए, ये
ये जो रीजियन है यहां पर, इसे हम बोलेंगे सॉल्यूशन रीजियन, ये होगा सॉल्यूशन रीजियन। तो इसका आंसर रहेगा द कॉमन शेडेड रीजियन, द रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। दोस्तों आप समझ रहे हैं, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सबसे पहले इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, हियर नंबर 1 x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, नंबर 2 y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड नंबर 3 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 2। बट वी कंसीडर, क्या कंसीडर करेंगे, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। हालांकि यहां पर इक्वल टू भी है, लेकिन फिर भी ये मेथड आप 6.1 में और 2 में पढ़ चुके हैं, ध्यान से देखिएगा। 2y is equal to 12 minus 3x and therefore y is equal to 12 minus 3x divided by 2. Select any two points for this graph. If we select x is equal to 0, then we get y is equal to 6. 0 लेंगे तो 12 minus 0, 12 upon 2, 6. यदि हम y 0 लेंगे, y 0 किस तरह से आएगा, यदि हम लेंगे x इज इक्वल टू 4, तो 4 3 जा 12, 12 माइनस 12 तो ये होगा 0। क्लियर दोस्तों, 0 6 एंड 4 0 पॉइंट्स आसानी से हम ड्रॉ कर पाएंगे। अब आप ग्राफ को अच्छी तरह ध्यान से देखिएगा, ध्यान से दोस्तों, x एक्सिस एंड y एक्सिस, x एक्सिस पर मैक्सिमम वैल्यू 4 तक है, y पर मैक्सिमम 6 तक वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6, y पर मैक्सिमम 6 तक जाना है, 1 2 3 4 5 6, 7 एंड सो ऑन, ये 0 0। सबसे पहली इनइक्वालिटी है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 इज अ वर्टिकल लाइन विच इज पासिंग फ्रॉम पॉइंट 1। तो ये है लाइन x is equal to 1 and more than it means ये रीजन है ये रीजन, क्लियर। y is equal to 2 ये लाइन है, मोर देन 2 मतलब ये पार्ट रहेगा, तो कॉमन शेडेड पार्ट तो यही रहा। लेकिन थर्ड इनइक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं, वो है 4.0 पॉइंट यहां पर
एंड 0.6 पॉइंट यहां पर। अब हमें इन दोनों को ज्वाइन करना है, लेकिन फिर भी यहां पर देखिए इनइक्वालिटी में इक्वल टू भी है, तो हम बोल्ड लाइन ड्रॉ करेंगे। परफेक्टली शार्प इनइक्वालिटी होती तो हम यहां पर डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दें। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये अब इस साइड का रीजन होगा या इस साइड का, तो उसके लिए हम 0.0 पॉइंट के बारे में समझेंगे। 0.0 के बारे में, 4.0.0 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 × 0 2 × 0 विच इज 0 लेस देन इक्वल टू 12 इट इज ट्रू। इट मीन्स दिस इनइक्वालिटी कैन और जीरो कैन सेटिस्फाई, हम ये कह सकते हैं 0.0 कैन सेटिस्फाइड 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 12, मतलब होगा ये रीजियन। तो इन सब में हम कॉमन बात कहेंगे तो कॉमन रीजन कितना आएगा, तो यही रीजन कॉमन होगा। दोस्तों बहुत ही अच्छी तरह ध्यान दीजिएगा, ये कॉमन रीजन होगा। क्या आप समझ रहे हैं? तो ये जो कॉमन रीजन है विच इज सॉल्यूशन रीजन, ये जो ट्राइंगल जैसा पार्ट हमें दिख रहा है विच इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। क्लियर दोस्तों? एकदम से क्लियर? क्या आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से? चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको और समझने में आसानी हो जाए, ठीक है? एग्जाम्पल नंबर थ्री। टू एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6। एंड 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12। कभी भी ऐसा हो तो आप उसको रिराइट मत कीजिएगा, इसे करेक्ट करके फिर से लिखिएगा, समझने में गड़बड़ी नहीं होगी। ध्यान दीजिए दोस्तों। अच्छा आप सभी समझ रहे हैं? हेलो डियर फ्रेंड्स, ओके। सबसे पहले वी हैव 2x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, बट वी कंसीडर 2x प्लस y इज इक्वल टू 6। इक्वल टू नहीं होता तब भी हम ये एज्यूम करते, देयरफॉर y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x, ठीक है? चलो सिलेक्शन ऑफ टू पॉइंट्स विच इज द सेटिस्फाइड, विच आर द सेटिस्फाइड गिवन कंडीशन। इफ वी टेक x इज इक्वल टू 0 देन वी गेट y इज इक्वल टू 6, एंड इफ वी टेक x इज इक्वल टू 3 × 6 देन वी गेट y इज इक्वल टू 0। क्लियर बात इसकी हो रही है? अच्छा 0.0 इसे सेटिस्फाइड करता है कि नहीं उस पर हम ध्यान देते हैं। फॉर 0.0 2x प्लस y 2 × 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 विच इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 6। क्या आप समझ रहे हैं?
इज इट मींस 00 कैन नॉट सेटिस्फाइड 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6। चलिए क्लियर, ओके। ग्राफ के जरिए हम इस पॉइंट को अच्छी तरह समझेंगे दोस्तों। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, सबसे पहले क्या है, अच्छा पॉइंट्स लेने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सिमिलर वाई एक्सिस पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। यहां पर पॉइंट है 0, 0, 0, 6 एंड 3, 0। 3, 0 इज हियर, 0, 6 इज हियर। दोनों को ज्वाइन करना है विथ अ बोल्ड लाइन, क्योंकि यहां पर इनइक्वालिटीज के साथ में इक्वल टू भी है, आधा इक्वेशन आधी इनइक्वालिटी, तो दोनों को हम जोड़ देते हैं, इस दोनों पॉइंट को हम जोड़ देते हैं दोस्तों, बोल्ड लाइन से जोड़ना है। जीरो जीरो इसे सेटिस्फाइड नहीं करता है, इसका मतलब ये होगा कि ये जो रीजन है वो होगा, ये होगा इसका रीजन, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं दूसरे इनइक्वालिटीज में, नंबर 2 एंड 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 2। वी कंसीडर 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, 4y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x, y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x डिवाइड बाय 4। Selection of two points which are the satisfy the given condition, if we take x is equal to 0 then y is equal to 3, and if we consider select x is equal to 4 then we get y is equal to 0. 0 0 की हम बात करेंगे, for 0 0 3x plus 4y, 3 into 0 4 into 0 is equal to 0 less than equal to 12 is true. It means ये true है, 0 0 satisfy 3x plus 4y लेस देन इक्वल टू 12। 0 3 एंड 4 0 यहां पर, 0 3 यहां पर, इन दोनों को हमें कनेक्ट करना है, इस तरह से, ठीक है। ये जो इनइक्वालिटीज है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, और ये जो है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इनइक्वालिटी है और इक्वल टू भी, इसलिए मैं बोल्ड लाइन ली, यदि सिर्फ इनइक्वालिटी होती तो हम डॉटेड लाइन यहाँ पर ड्रॉ करते। चलो 0 0 यहाँ पर सेटिस्फाइड होता है, तो ये पार्ट होगा इसका,
तो यहां पर जो कॉमन रीजन होगा वो यहां से होगा, ये कॉमन रीजन होगा इसका, ये पार्ट होगा कॉमन रीजन, समझ रहे हैं दोस्तों ये। तो दिस पार्ट बी द सॉल्यूशन रीजियन, ये पार्ट होगा सॉल्यूशन रीजियन। हेलो डियर फ्रेंड्स, क्या आप समझ सकते हैं? बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं। तो दोस्तों रिमेनिंग जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.3 आपको डू योर सेल्फ क्लियर दोस्तों, तो आपको ये कंप्लीट कर देनी है। तो डियर फ्रेंड्स, आज का वीडियो सेशन हम यहां तक रखते हैं। इस चैप्टर को कंप्लीट किया हुआ समझते हैं, मतलब आपके दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट बैठ गए हैं दोस्तों। तो आपके 12th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर आपने आज ही कंप्लीट कर दिया ऐसा आप मान सकते हैं, यदि आप इस चैप्टर में पूरे कॉन्फिडेंट हैं तो। क्लियर दोस्तों, अगले वीडियो से हम नया चैप्टर नंबर 9 से शुरुआत करेंगे और वहां से हम आगे बढ़ेंगे। तो इस चैप्टर की रिमेनिंग क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें और आगे बढ़े। थैंक यू, धन्यवाद।